सोरा। तो सोरा और काजोल भाई हमारे साथ है, इस प्रकार से जुड़ गए हैं। ये है भाई हमारे साथ नेपाल की लोकल यंगस्टर और दिस इज थामेल नाइट लाइफ स्ट्रीट मैन। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे भाई यहाँ की सुंदरियाँ जो है वो जवानियाँ यहाँ पर सड़कों पे आ जाएगी, मतलब फुल एकदम यंगस्टर है ना। जवान यंगस्टर ऑन रोड फॉर मजे। तो भाई साहब अभी टक्कर और रहा भाई साहब, टक्कर लगी यहाँ पर, ये कपल इस प्रकार से जा रहे हैं। ओए होए होए, बंदियां भी धुआं फूंका कर रही है भाई, बंदियां भी धुएं धुएं निकाल रही है। देखो जो मसाज का केंद्र है वही है, मतलब मसाज के आड़ में कुछ और चलता है, मतलब सिर्फ मसाज एक बहाना है। इंडिया में भी चलता है, इधर भी चलता है, वो तो पूरे ऑल वर्ल्ड में चल रहा है, सिर्फ एक इस्पा कहने का लायक है। नाम का खाली है। हाँ तो भाई अंकल जी जो पूछेगा, आपको पूछेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या आप मसाज करना है फुल मसाज करना। अच्छा बाइक के साथ साथ बाइक के पीछे बैठने वाली को भी आप भाई इस प्रकार से रेंट पे ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का यात्रा गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं हूं अभी नेपाल की कैपिटल काठमांडू के अंदर और मैं निकल चुका हूं नेपाल की नाइट लाइफ जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए, किस प्रकार की यहाँ पर जो है वो नाइट लाइफ रहती है। मतलब मैं वही चीज़ें दिखाऊंगा जो मेरी आंखों को दिखेगा। इस वीडियो के अंदर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं, तो डोंट वरी, आराम से इस वीडियो को देखिए। कोई भी जो है वो असली, वो कहते हैं ना असली चीज़ें इसमें आपको नहीं दिखाई जाएगी। जो भी मतलब रात को यहाँ पर जो भी सड़कों के ऊपर जैसी जवानियाँ गुलचरे उड़ाती है वो आपको मैं दिखाऊँगा, किस प्रकार से कौन यहाँ के रंगीन जो है वो दिखने वाले हैं वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और क्या क्या यहाँ पर स्कैम भी होता वो भी सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको नेपाल की नाइट लाइफ और जवानियाँ यहाँ की। भाई कुछ इस प्रकार की नज़ारे हैं नेपाल के नाइट के, और आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्लब भी क्लब देखने को मिलेगा। अंदर जाके आप क्लब के अंदर बहुत सारा मज़ा ले सकते हैं और खूब सारा जो है वो मज़े देखिए करने के लिए लोग जो है वो सड़कों के ऊपर जो है वो इस प्रकार से निकल चुके हैं, है ना। जो बड़े बड़े दिन में कपड़े पहने हुए होते हैं वो रात को इस समय बिल्कुल छोटे शॉर्ट्स में तब्दील हो जाया करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा रश यहाँ पर होने लग रहा है। और देखिए ऊँचे ऊँचे डिम लाइट के अंदर जो है वो क्लब और रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े करने लग रहे हैं। तो दिखाता हूँ देखिए अलग अलग कोनों के ऊपर किस प्रकार से जवानियाँ जो है वो मज़े कर रही है भाई नेपाल के। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये वॉकिंग स्ट्रीट है, शाम के टाइम जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से लोग मज़े करते हैं। और ऊपर देखिए जो है वो कैसे कैसे देखिए डिम लाइट के अंदर जो है वो क्लब चलने लग रहे हैं। और ये है भाई यहाँ की नाइट लाइफ, लोग जो है वो खूब सारे मज़े करने लग रहे हैं। और ऐसे देखिए बहुत सारे जो है वो लोग आने लग रहे हैं और क्लब ही क्लब और मज़े ही मज़े। और पास में से ये जो लोग निकले हैं भाई साहब बिल्कुल एकदम टल्ली होकर निकले हैं, दारू की खतरनाक वाली महक आई है, ये पता नहीं कहीं से पी पिया के निकली है ये लड़कियां और ये लड़के सब कुछ, बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरी गली के अंदर दारू की महक हो रही है ना। और यार ये देखिए पीते हैं खूब सारा, मज़ा करते हैं लोग, पैसा उड़ाते हैं भाई। दोस्तों फिलहाल हम चलते हैं यहाँ से आगे और आपको दिखाते हैं। फिलहाल आज भाई सैटरडे की नाइट है तो आपको थोड़ी भीड़ कम मिलेगी, याद रखना आपको बहुत ही ज़्यादा नाइट लाइफ के मज़े लेने हैं तो भाई फ्राइडे की नाइट जो होती है वहाँ की यहाँ की मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको रश देखने को मिलेगा यहाँ पर। लेकिन फिर भी आपको क्लब और बार और जो स्पा वगैरह है उसके अंदर आप जाके जो है वो रातों को रंगीन कर सकते हैं। और फिलहाल आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। और फिलहाल यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रस जो है वो इस टाइम देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रात होएगी वैसे वैसे कम होता जाएगा। ये है भाई नेपाल के काठमांडू की जो ओरिजिनल नाइट लाइफ वाली जो स्ट्रीट है वो यही है। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा नज़ारे अच्छे अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, खूबसूरत और अद्भुत हैरत अंगेज नज़ारे भाई साहब। चलिए भाई हम आपको दिखाते हैं यहाँ के और भी कुछ बेहतरीन बेहतरीन नज़ारे, और मैं आपको यहाँ पर जो है वो नाइट लाइफ दिखाने के लिए लाया हूँ नेपाल की। और सड़कों के ऊपर जो है वो इस प्रकार से जो है वो लोग मज़े करने लग रहे हैं, खूबसूरत नज़ारे। और बहुत सारे लोग जो है वो देखिए अभी फुल टल्ली हो गए ये लड़कियाँ और इस प्रकार से डांस बार में से निकली है। आसपास ये देखिए बहुत सारे डांस बार आपको नज़र आएगा, और इसके अंदर भाई साहब भीड़ बहुत ज़्यादा, यार ये देखिए भाई साहब इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लड़के लोग जो है वो गुलचरे उड़ाने के लिए आए हैं। और इधर ये देखिए सब स्पा मसाज, आप मतलब फुल कुछ भी कर सकते हो, आपके जेब में गांधी होना चाहिए तभी आपकी चलेगी आंधी, जेब में गांधी तभी आपकी चलेगी भाई आंधी। और बहुत ही
ऊपर ऊपर जो ये हाइट में बिल्डिंग नजर आ रही है और जिनमें लाइटें आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी, ये सब कुछ यहाँ पर मसाज और स्पा वाले हैं। तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला भाई। आइए नेपाल के अंदर खुल्लम खुल्ला जो है वो नाइट लाइफ का आप जो है वो एंजॉय कीजिए, खूब सारा मजा आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए लोग जो है वो हमको देखने लग रहे हैं, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाई, कोई टेंशन नहीं है। देखने वाले देखते रहेंगे, रोने वाले रोते रहेंगे, आपकी यात्रा गुरुजी जो है वो आपको इस प्रकार से नाइट लाइफ दिखाएंगे। बहुत सारे लोग दरूड़ी इधर इस प्रकार से पी पी के पड़े हैं। और चलिए भाई आगे दिखाते हैं, दारू की बहुत ही ज़्यादा महक आ रही है, सब पी के मरे हैं साले। आपकी जेब में गांधी तभी आपकी चलेगी अंधी। फिलहाल मैं अभी थामेल की गलियों के अंदर घूम रहा हूँ और ये है नेपाल की भाई बहुत ही खूबसूरत नाइट लाइफ। और यहाँ पर बहुत सारे आपको यंगस्टर ही यंगस्टर नजर आएंगे, बहुत ही मजा आ रहा है भाई घूमकर। तो आप भी नेपाल आओ तो जरूर यहाँ पर आप जरूर ट्राई करें, बहुत सारा स्पा मसाज वगैरह सब कुछ कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम खूबसूरत नज़ारे। और ये नेपाल के रात के नज़ारे चल रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है भाई। एंड पे इस प्रकार की बाइक जो है वो आपको मिल सकती है, आप रेंट पे बाइक भी रेंट कर सकते हो, बहुत सारे बाइक्स जो है वो आपको मिलते रहते हैं इस प्रकार से, तो रेंट करके आप भाई यहाँ से ले जा सकते हैं, चाहे बाइक हो चाहे दो और भी कुछ हो, बहुत सारा। ये देखिए उठा के लेके गया भाई, ये देखो इस प्रकार से, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। बाइक के साथ साथ बाइक के पीछे बैठने वाली को भी आप भाई इस प्रकार से रेंट पे ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई ये देखिए मजा आ गया उसको, ताली बजा रहा है भाई साहब। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो भाई जो भी है आपको नाइट लाइफ दिखा रहे हैं तो अपने कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आसपास के कुछ खूबसूरत नज़ारे देखिए भाई, क्लब ही क्लब और मंद मंद ध्वनि के अंदर चलता हुआ गाना और उसके ऊपर थिरकते हुए देश और विदेश के यंगस्टर, मजा आ जाता है भाई साहब। यहाँ से चलते हैं, आप अपनी अगर प्राइवेसी रखना चाहते हो तो भाई मास्क भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्राइवेसी जरूरी है। और आसपास चलते हैं भाई नाइट लाइफ दिखाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और बाहर ये दुकानें हैं भाई, इस प्रकार से आप ज्वेलरी भी खरीद सकते हो, पहाड़ है ये पूरा पहाड़ है सोने व चांदी का, और शॉपिंग भी कर सकते हो। बहुत सारे कपड़े देखिए इस प्रकार से, बहुत सारे कपड़े हैं और मैन और वुमेन दोनों ही कपड़े जो है वो लोग देखिए इस प्रकार से खरीदने लग रहे हैं रात को, खूबसूरत नज़ारे। और ये देखिए भाई ड्रिंक, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खूब मजे करो। देखिए ओ इधर ये ऐसे कपड़े भी खरीद सकते हो, हैं फोटो शूट भी करा सकते हो भाई फोटो शूट। को यहाँ पर फ्रेंड मिल गए हैं, बहुत ही क्यूट क्यूट और एकदम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्रेंड्स लोग मिल गए। वेयर आर यू फ्रॉम? नेपाल। या बेस्ट फ्रेंड? कपल? नॉट कपल। तो भाई साहब देखिए आप तो हिंदी मालूम बोल देते हो? स्टडी नेपाल इंडिया। तो भाई साहब बंदी जो है वो भाई इंडिया में पड़ी हुई है, तो इस प्रकार से क्या नाम आपका? काजोल। और आपका? सोरा। तो सोरा और काजोल भाई हमारे साथ है इस प्रकार से जुड़ गए हैं। ये है भाई हमारे साथ नेपाल की लोकल यंगस्टर और दिस इज थामेल नाइट लाइफ स्ट्रीट मैन। तो ये क्राउड बहुत कम है आज, वीकेंड कब होता है? वीकेंड फ्राइडे अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी टाइम नहीं हुआ है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे भाई यहाँ की सुंदरियाँ जो है वो जवानियाँ यहाँ पर सड़कों पे आ जाएगी, मतलब फुल एकदम यंगस्टर है ना, जवान यंगस्टर ऑन रोड फॉर मजे। तो भाई साहब अभी टक्कर में टक्कर और रहा भाई साहब, टक्कर लगी यहाँ पर, ये कपल इस प्रकार से जा रहे हैं बहुत सारे। ओके तो ये भाई मजेदार है भाई इस प्रकार से मजे, इन्होंने बोला है ये भाई है बेस्ट फ्रेंड, लेकिन मुझे इनकी हरकतों से बेस्ट फ्रेंड लग नहीं रहे हैं। ये है कपल और गुलचिरे उड़ाने के लिए निकले, देखो भाई साहब ये देखो, ओए होए होए होए, ये इस प्रकार से गुलचिरे उड़ाते हैं भाई। और ये देख भाई, यात्रा गुरु जी सब्सक्राइब, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना आप लोग जो है वो आओगे भाई व्लॉग के अंदर। बहुत ही खूबसूरत भाई कन्या जो है वो हमसे बातचीत करने के लिए मिल गई, और फिलहाल ये मेन स्ट्रीट पे आ गए। ये है भाई इतनी चौड़ी रोड और काफ़ी अंधेरा भरा हुआ है, और देखिए ये सुनसान हो गया वापस, मतलब बाहर मेन रोड पे सुनसान है, गलियों के अंदर गुलचरे उड़ रहे हैं भाई। एक दुकान पे आ गया हूँ और यहाँ से लेते हैं भाई एनर्जी ड्रिंक, जैसे इंडिया में वगैरह वहाँ चलती है ना रेड बुल, उसी प्रकार से भाई रेड बुल की जैसा ही है ना। तो ये यहाँ का ब्रांड है कुछ एक्सट्रीम, ये ब्रांड का। हाँ हाँ हाँ
तो इसका नाम है भाई एक्सट्रीम, एक्सट्रीम ब्रांड है ये, रेडबुल के जैसा ये है। पियेंगे तो स्वाद कैसा है आपको चेक करके मालूम करते हैं। और फिलहाल अंकल जी की ये दुकान है बहुत ही शानदार। और सर ये थामेल है ना, नेपाल का काठमांडू का भाई थामेल, और थामेल ही रंगीन रातों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। जो मसाज का केंद्र है वही है, मतलब मसाज के आड़ में कुछ और चलता है, मतलब सिर्फ मसाज एक बहाना है। इंडिया में भी चलता है, इधर भी चलता है, वो तो पूरे ऑल वर्ल्ड में ही चल रहा है, सिर्फ एक स्पा कहने का लायक है। नाम का खाली है। हाँ तो भाई अंकल जी जो हो पूछेगा, आपको पूछेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या आप मसाज करना है फुल मसाज करना है, अच्छा करना है क्या करना है, हर चीज पूछेगा। लेकिन एंड में बात वहीं पे आएगी, बात में एंड वही आएगी, एंड में बात मतलब मुद्दे पे आएगी, मुद्दे पे आएगी और बात वही है। और लोग मसाज कराने भी नहीं जाते, और मुद्दे पे ही मुद्दे के लिए जाते हैं, मुद्दे के लिए, वही मुद्दे के लिए जाते हैं आदमी। आप क्या कहें, हाँ नाम का है, नाम का है। चल लड़के और लड़कियां और सभी जाते हैं, वो अपने मूड का खराब है, जिसका पैसा है वो चले जाते हैं, जिसके नहीं है वो नहीं जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, जिसके जेब में गांधी होगा वही चला गांधी। सही है। वैसे कितने सालों से है आपकी ये शॉप? अठारह साल हो गया है ना। अच्छा 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 दोस्तों, 130 रुपए जो है वो कचरे के भाव में चले गए हैं, कोई मतलब नहीं, इतना गंदा स्वाद है। इससे अच्छा तो अपनी इंडिया के अंदर जो स्टिंग आती है भाई साहब, स्टिंग एनर्जी 20 रुपए वाली, उसका भी स्वाद एकदम कड़क और स्ट्रांग रहता है। लेकिन ये साला कचरा निकली, 130 रुपए नेपाली दिए, यानी कि लगभग आप मान सकते हो 60-70 रुपए एक के। तो भाई साहब मत खरीदना बिल्कुल ही, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेपाल में होने वाला सबसे बड़ा स्कैम मैं आपको बता दूं कि कोई भी लड़की जैसे खड़ी रहेगी तो आप उसके पास जाओगे तो आपको नेपाली रुपी के अंदर आपको 250 से 300 रुपए बताएंगे, जो कि इंडिया के अंदर अगर करेंसी में बात करूं तो 100 से 150 रुपए के आसपास होता है ना, 160-170। तो भाई साहब 160-170 रुपए के अंदर कौन आपको ऐसे बादाम और काजू अखरोट खिलाएगा, है ठीक है ना। भाव आपको बता रहे हैं, मतलब कह सकते हो कि भाई प्याज और आलू के भाव बता रहे हैं और आपको दे दे काजू बादाम, ऐसा कोई पॉसिबल थोड़ी है। और फिर आपको ऐसा ध्यान भी रखना होगा कि भाई लड़की के साथ में और भी आसपास बंदे कितने हैं, क्योंकि अगर आप सस्ते के चक्कर में लड़की के साथ में कहीं पे चले भी गए है ना, अंधेरी गली या फिर कहीं उसके बताए गए रूम पे वगैरह, तो वहाँ पे पीछे पीछे आ जाएंगी उसकी टीम और आपको धर दबोचेंगे वहाँ पे। यहाँ की पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, उल्टा पुलिस वाले ये कहेंगे कि बहन जो तू वहाँ पे गया ही क्यों, ठीक है ना, वहाँ पे तेरे को जाने को बोला ही किसने, तो पुलिस वाले भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार के स्कैम से बिल्कुल आपको बच के रहना है। और खासकर इंडियंस लोग तो बहुत ही ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि वो मजे ही नाइट लाइफ के यहाँ पर करने आते हैं, तो इंडियंस को ही वो ज़्यादा टारगेट करते हैं भाई साहब। रात के लगभग 12 बजने लग रहे हैं और आप सड़क का माहौल देखिए, आपको कोई भी नजर नहीं आ रहा है। और ऊपर ये देखिए जो कोठियां आपके ऊपर इस प्रकार से ये बनी हुई है, इन कोठियों के अंदर अब आप समझ सकते हो कि भाई जो लोग हैं वो अब अंदर चढ़ गए हैं, जो भी अपना स्ट्रीट के ऊपर से पसंदीदा जो है वो सामान खरीद के और लेके चले गए हैं कोठियों में। और ये देखिए ये है भाई यहाँ की अंधेरी कोठियाँ, इनको अंधेरी कोठियों के नाम से जाना जाता है। और ये एक तरह का कह सकते हैं भाई, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर हीरा मंडी है उसी प्रकार से भाई ये कुछ इस प्रकार के माहौल आपको यहाँ के देखने को मिलेंगे। तो भाई एक तरह से कह सकते हो भाई ये नेपाल की जो काठमांडू की है वो है ये हीरा मंडी भाई साहब, तो ये हीरा मंडी के नाम से भी आप इसको पुकार सकते हो, क्योंकि आसपास के ये ऊपर देखिए पूरा मंद मंद लाइटें जल रही है ना, जहाँ पे आपको मंद मंद लाइटें नजर आ रही है इन अंधेरी कोठियों में, तो आप ये देख लीजिए, आप इधर देखिए पर्दे वर्दे हो रखे हैं। और अब अगर इस स्ट्रीट के ऊपर मुझे वीडियो शूटिंग करते हुए अगर कोई देख लिया, इन्हीं के बहुत सारे दलाल घूमते रहते हैं बाहर है ना, तो देख लिया तो वो फिर कैमरा वैमरा छीन सकते हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर मेरे को शूट करना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। एक ही दुकान ये देखिए खुली है, जो कि फटाफट पैक करने लग रहे हैं, क्योंकि रात का अब धीरे धीरे 12 बजे का माहौल बाद का चेंज होने वाला है। और ये देखिए ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोलूँगा, कोई सुन लिया तो यहाँ पर मेरी पिटाई भी हो सकती है भाई साहब। ये देखिए ऊँचे ऊँचे ये देखिए खिड़कियाँ खुली हुई है, ओए होए होए होए, इतनी भयंकर नाइट के अंदर इतनी लेट भी देखिए इस प्रकार से कपल्स जोड़े जो है वो घूमते हुए भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, तो ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन ये सब भाई एक्सपर्ट है इन गलियों के, अगर आप भाई नए आदमी हो और उनको पता चल जाएगा कि भाई ये टूरिस्ट है बाहर से आया हुआ है और नया बंदा है, तो फिर तो आपको लपेटने की ही कोशिश करेंगे। ये देखो लड़कियाँ बैठी हैं अंदर यार, ये देखो अंदर बहुत सारी बैठी हैं, ओए होए होए,
आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के नज़ारे जो है वो आपको रात को बहुत सारे देखने को मिलेंगे भाई साहब। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, जो फिरेगा वो चरेगा, है ना। तो वही कहावत है भाई, जितना ज़्यादा आप इस प्रकार से पैदल फिरोगे उतना ही ज़्यादा आपको जो माहौल नज़र आएगा। और ये देखिए हीरा मंडी की पोल, ये देखिए पूरी सुनसान है, कोई यहाँ पर अब आपको आदमी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अब माहौल थोड़ा चेंज हो चुका है, रातों का नज़ारा है भैया। ये है हीरा मंडी, इधर की सभी बिल्डिंगों के अंदर अब लाइटें बंद मिलेगी, और आगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मेरे को अंधेरा ही नज़र आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लड़के खड़े हैं, तो अगर चार पांच लड़के आके मेरे भाई आसपास कोई चक्कुओं को दिखा के लूटना चाहे तो फिर अकेला बंदा तो क्या ही कर सकता है यार, कुछ नहीं कर सकता। तो फिलहाल आगे देखो रोड लाइटें भी आपको बहुत ही कम नज़र आएगी, डिम जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो ही नज़र आ रही है, और एक भी दुकान खुली नहीं है। और आसपास की ये बिल्डिंग, अगर अब इस सड़क के ऊपर कोई किसी को लूट ले या फिर मार के भी चला जाए तो यहाँ छुड़ाने वाला आपको सिंगल पर्सन नहीं मिलेगा भाई साहब। लोग पास में से निकल जाएंगे, लेकिन क्योंकि लूटने वाले लूटेंगे क्योंकि नशे में धुत होते हैं, चरस पीने पिए हुए गांजे लगे हुए लोग आपको मिलेंगे, और बाइक रहेगी उनके पास, वो राइडिंग वाली बाइक पे आएंगे ऐसे चार पांच जने, जैसे हम मूवीज़ में नहीं देखते उसी प्रकार से। और ये देखिए ऊपर क्लब है, और लोग देखिए किस प्रकार से देखिए हुक्का हुक्का पी रहे हैं। ओए होए होए, बंदियां भी धुआं फूंका कर रही है भाई, बंदियां भी धुएं धुएं निकाल रही है देखो। और ये हीरा मंडी की भाई देखो, ये ऊपर किस प्रकार की ये बिल्डिंग है, जैसे बीकानेर की हवेली नज़र आ रही है वैसी मेरे को कुछ दिख रही है। और ये लड़के लोग आए देखो, ये सब क्लब में से निकले हैं, दो तीन बंदियां भी है साथ में और लड़के भी हैं। चलो मजे करने वाले करेंगे भाई, अपने क्या लेने देना है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यहाँ पे ये लड़की आई है, कुछ खाने पीने का सामान लेके गई है भाई, भूख लग गई काम करते करते, तो भाई रात को इस प्रकार से नाश्ता भी लेके जाते हैं क्योंकि इनका भाई नाइट वर्क ही होता है, तो भाई भूख तो लग ही जाती है, तो सामान भी लेके जाती है देखो। तो फाइनली दोस्तों रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अब मैं अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप पीछे देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, सड़कें हो गई है एकदम सुनसान, लोग जो है वो मज़े कर रहे हैं अपने अपने होटल्स के अंदर, और मैं जो है वो घूम रहा हूँ इस प्रकार से अकेला ही सड़क के ऊपर, और निकल गया हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा भाई, नेपाल की नाइट लाइफ का। फिलहाल वीकेंड ही होता है इनका, फ्राइडे को, अगर आप फ्राइडे को यहाँ पे आते हो तो एक से बढ़कर एक रापचिक सीन आपको मिलेंगे, और बहुत ही ज़्यादा नाइट लाइफ आपको देखने को मिलेगा। और फिलहाल यही नज़ारे हैं, और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया, आप आसपास देख रहे हो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जिसका हो राम रखवाला उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो अपने को तो भाई ज़्यादा डर लगता नहीं है, डरने वाले डरते हैं क्योंकि भाई हम तो अब ट्रैवलर हैं, ट्रैवलिंग के अंदर इस प्रकार के नज़ारों की आदत हो जाती है। एक बार तो साला दो तीन आगे मेरे से भिड़ गए ना, उनको तो मैं नहीं धारने वाला हूँ भाई साहब, चेप दूंगा। 6 फुट हाइट ऐसे ही नहीं है, मेरा साइज चेहरा भी आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, ऐसी अंधेरी गलियों के अंदर आ गया हूँ। अपना हॉस्टल अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो फिलहाल निकलता हूँ। ठीक है भाई, मिलता है भाई नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अंत तक देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बेहतरीन बेहतरीन और भी वीडियोज आने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। ठीक है, आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।